हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में दिमाग लगता है, वैसे चिंता में रहता है जेल में, हमारे पति नहीं है, इस वजह से ज़्यादा टेंशन रहती है दिमाग। सर मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ और 2017 में मुझे सज़ा पड़ी, फिर उसके बाद मैं जेल में आई, वहाँ पे एक विनीता मैडम थी, रोती थी, इधर उधर बैठी रहती थी, घर से मैंने इंटर की है शादी से पहले, इधर उधर बैठी रहो रोती रहती थी, फिर वो मैडम बुला के बोली कि तुम क्यों रोती हो, जो है संघर्ष, दहेज में मेरी दौरानी ख़त्म हो गई, आज ही मैं सज़ा पड़ी हुई है, मुझे 300 तो लगा हुआ है। विनीता मैडम बोली कि इधर उधर बैठने से दिमाग ही ख़राब होता है, पढ़ी लिखी हो, पढ़ लो, यहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था है। फिर वहाँ से मुझे बीए का फॉर्म भरवाया, एमए करवाया, फिर कुछ हालात वहाँ पे ऐसे बन गए कि हम 12 महिलाओं को अलीगढ़ से यहाँ एटा जेल में ला दिया, एटा जेल में आ गए हम लोग। एमए कर चुकी थी, यहाँ भी कुछ टेंशन थी, मुलाकात कैसे आएगी, कैसे होगा, क्या होगा, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना महिलाओं को पढ़ाने का काम मन में आया मेरे विचार, मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ मेरी डिप्टी जेलर साहब हैं, ड्यूटी वाली हैं, पुष्पा दीदी हैं, फिर मैंने उनसे बात की कि दीदी मैं महिलाओं को पढ़ाना चाहती हूँ, फिर उन्होंने जेलर साहब के पास रखी, साहब के पास बात रखी, तो उन्होंने मुझे सहयोग किया, किताब कॉपी की व्यवस्था की, फिर कुछ महिलाएँ यहाँ हैं उन्हें मैंने पढ़ाना शुरू किया, महिलाओं ने बहुत सहयोग किया, क्योंकि महिलाओं के बिना तो मैं पढ़ा नहीं सकती किसी को, महिला भी मेरी, आज भी एक महिला नई आई है मेरे पास पढ़ने के लिए, और महिलाओं ने सहयोग किया कि अब मेरा ये है कि ये महिलाएं यहाँ से कुछ सीख जाएं और अपने घर जाके अपने बच्चों का नाम, पति का नाम, कहाँ रहती हैं, किस जगह रहती हैं, कौन से केस में, ये सब पढ़ना लिखना सीख जाएं। देखिए कारागार की जो संकल्पना है वो आज़ाद भारत में एक सुधार गृह के रूप में रही है, तो उसी दिशा में हमने सोचते हुए ये देखा कि एक जो शिक्षा है वो इस दिशा में सुधार गृह के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने देखा कि यहाँ पे एक महिला बंदी हैं जो कि स्वयं परास्नातक हैं और जेल में रहते हुए उन्होंने इग्नू से परास्नातक कंप्लीट अपना किया, तो उन्होंने भी अपना पढ़ाने की जो इच्छा है वो जाहिर की, तो हमने अपना सहयोग करते हुए जितने भी पुस्तक वगैरह हैं उनका जो है उपलब्ध कराई और उन्होंने जो है यहाँ अपनी पठन पाठन की जो है प्रक्रिया स्टार्ट की, तो उसके परिणाम भी हम लोगों को बहुत बहुत अच्छे देखने को मिले। एक छोटे से स्पैन में 1.5 महीने के जो महिलाएं निरक्षर थीं वो अब पढ़ लेती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पढ़ भी लेती हैं और लिख भी लेती हैं, ये एक एक बेहतर इंसान के रूप में एक शिक्षा एक बहुत सहयोग रहता है शिक्षा का, और जब ये जेल से बाहर जाएँ तो कम से कम एक अच्छा जो मैसेज जाए कि जेल से जो ये अच्छा कुछ सीख के आई हैं शिक्षा के रूप में। यहाँ देखेंगे आप डिफरेंट एज ग्रुप से जैसे हैं महिलाएं, कुछ महिलाएं 60 से ऊपर की एज की भी हैं जो कि निरक्षर थी, और जेल से जब ये सीख के जाएंगी तो एक बाहर अच्छा इतना मैसेज जाएगा कि जेल में रहते हुए भी चार दीवारी के एक बहुत अच्छा काम एक करके आई।